फ्रेंड्स, तो अभी मैं नरेला आया हूँ सेक्टर A1 to A4 पॉकेट 7 में। तो DDA ने फ्लैट लॉन्च करी है अभी, न्यू स्कीम जो कल से आ रही है 10th of September से, तो उसी का विजिट कराता हूँ। ये जो सैंपल फ्लैट है 202, ये पॉकेट 7 सेक्टर A1 to A4 है और 2BHK फ्लैट है, काफ़ी स्पेसियस है। सारी डिटेल अभी बताऊँगा कि कैसे क्या वीडियो आएगी इसमें, और काफ़ी लोग आए हैं देखने के लिए, सब लोग देख रहे हैं। तो वीडियो को मैं कोशिश करूंगा काफ़ी शॉर्ट रखूं। आपने देखा इधर मैं एंट्री करते हुए गेट से एंट्री करा, और ये एक हॉल मिलता है आपको। ये हॉल की लेंथ वगैरह तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन काफ़ी स्पेसियस है। इस हॉल से आप सीधा इधर पीछे बालकोनी में आते हो, बालकोनी में आते ये बैक साइड का व्यूज मिलता है। बालकोनी भी काफ़ी स्पेसियस है, और इसी बालकोनी से कनेक्टेड जो आप बैक साइड से ही आप एक जो सेकंड बेडरूम है, जो मास्टर बेडरूम है, वहाँ पे जा सकते हो। ये देखो, ये मास्टर बेडरूम में यहाँ से हम आ सकते हैं। व्यूज देखो, व्यूज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डीडीए की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट की तरह इस तरह से बना दिया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और ये गेट और इसके पीछे गेट, बीच में एक और बेडरूम है जिसमें बालकोनी नहीं है, वो अभी चलते हैं अंदर और अंदर से भी सारी डिटेल दिखाते हैं। यहाँ से आप अंदर आ सकते हो, अंदर आ गए। ये बेडरूम भी काफ़ी अच्छी साइज है, आई थिंक 15x12 की बेडरूम होगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी आए हुए हैं देखने के लिए। तो कैसा लग रहा है आपको ये व्यू, मतलब ओवरऑल कैसा है फ्लैट? ओवरऑल ठीक है, 70 लाख का है ना। तो अभी डिटेल बता देंगे इसकी क्या है, और प्राइस जो भी है, कैसे बुकिंग हुई, वो सारी चीज़ बता देंगे। और अभी आपने अंदर देख लिया? हाँ ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, बालकोनी भी अच्छा है। हाँ, और ये सब क्या, ये जो इतना वर्क करवा के मिलेगा या फिर ये ऊपर से करवाना होगा? ऊपर से करवाना होगा। ओके, हाँ यही है, क्योंकि आप इसको रॉक फ्लैट मिलेगी, जो DDA रॉक फ्लैट देगी, और ये काम आपको अलग से करवाना होगा। इस रूम में अटैच्ड वाशरूम मिलती है, जो अटैच्ड है, काफ़ी स्पेशियस वाशरूम है। और ये एक बेडरूम है, बेडरूम कह लो, गेस्ट रूम कह लो, इसमें बालकोनी नहीं है, लेकिन साइज इसकी भी काफ़ी अच्छी साइज है। 12x12 हाँ, ये 12x12 का साइज होगा, उससे कम नहीं होगा, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे एक वाश बेसिन मिलता है, और ये एक वाशरूम, ये छोटी सी वाशरूम है। तो दोस्तों, आपने देखा मेन गेट से एंट्री करते हुए ये हॉल में आए, हॉल से बैक साइड से बालकोनी होते हुए, और ये पीछे जो सेकंड बेडरूम है वहाँ से आते हुए आप इधर आ सकते हो। और ये किचन की साइज है, जो कि काफ़ी स्पेसियस है ये किचन। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इसको यहाँ पे सेपरेट कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ किचन की बालकोनी भी काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी स्पेसियस बालकोनी है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह ये सब चीज़ें अच्छे से लगा सकते हो। और व्यूज दोस्तों कैसा लगा ये, अब कमेंट करके बताओ, मैं सारी डिटेल बताऊंगा इसमें। और अभी चलते हैं, फिर दूसरी फ्लैट देखते हैं, उसकी सारी DDA की जो पूरी सीरीज में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे टाइम मिले तो मैं DDA का जितना भी फ्लैट आ रहा है उस पर एक डिटेल वीडियो बताऊँगा, और सारी सीरीज उस पर ला रहा हूँ, तो एक प्लेलिस्ट डाल दूँगा, उस प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ देखना। तो वीडियो को लेंदी नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं रोकते हैं, फिर अब जब दूसरा फ्लैट देखने चलेंगे तो फिर वहाँ पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।